बीएसपी एसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर फेंकना है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में यूपी की 47 सीटों पर यादव, मुस्लिम और दलित चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम, यादव और दलित समुदाय के लोगों की संख्या 60% से ऊपर है। इनमें आजमगढ़, फिरोजाबाद, जौनपुर, घोसी, डुमरियागंज, अंबेडकर नगर, भदोही, बिजनौर, मोहनलालगंज और सीतापुर शामिल है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर और बसपा 38 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के लिए 3 सीटें मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा छोड़ दी गई है, जबकि कांग्रेस के लिए पहले ही बसपा और सपा गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी सीटों पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। इस लिस्ट में इन दोनों सीटों का जिक्र नहीं है। इस बार भाजपा का पत्ता साफ करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन सभी दलों पर भारी पड़ने वाला है। रिपोर्ट नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।